कई सारे जीव जंतु जीवन भर एक ही साथी के साथ जिंदगी बिताते हैं, वे भी एक साथी के नियम का पालन करते हैं। जब आप एक खुशहाल रिलेशनशिप में होते हैं तो आपका व्यक्तित्व पहले से ज़्यादा निखर आता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम दूसरों की परवाह करना और उसका सम्मान करना सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे हमारे साथी को ठेस पहुँचे। इन सब प्रयासों के बीच हम एक बेहतर इंसान भी बनने लगते हैं। एरिमजो एक कैदी वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जेल से भाग गया था। अर्जेंटीना के एक किसान ने अपनी दिवंगत पत्नी की याद में अपना सारा जीवन एक गिटार के आकार के खेत में खेती की। इंटरनेट के आगमन से पहले लोल का मतलब लॉस्ट ऑफ लव होता था। मनोविज्ञान के अनुसार प्यार को जितना छिपाने की कोशिश की जाती है उतनी ही वह सामने आ जाती है। प्यार के इजहार के मामलों में देखा गया है कि 90% पुरुष ही स्त्री के सामने प्यार का इजहार करते हैं, सिर्फ 10% स्त्री ही पुरुषों के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्यार में पड़ना को जैविक प्रतिक्रिया मानते हैं। इस प्रतिक्रिया हर किसी के शरीर में उत्पन्न होती है पर उसे कुछ ही लोग अच्छे से बनाए नहीं रख पाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्यार की वजह से शरीर के हार्मोन्स में एक तरह की गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कुछ हार्मोन्स का घट जाना या बढ़ जाना, जिसकी वजह से प्यार में पड़ा पुरुष जुनूनी हो जाता है। हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार प्यारा पड़ने पर स्त्री और पुरुष के शरीर में दिमाग पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी उम्र कुछ साल बढ़ जाती है। जो इंसान आपके गुस्से को सहन करके बाद में आपका साथ नहीं छोड़ता, उस इंसान से ज़्यादा प्यार और याद आपको कोई नहीं कर सकता।